तो उत्थे एक वड्डी अपडेट सामने आ रही है। रामलला नगरी अयोध्या पहुंच चुके ने मुल्क दे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, तो उत्थे ही महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच चुके ने पीएम मोदी। तो हुण तो थोड़े समय बाद उद्घाटन किया जाएगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का। तो 15,700 करोड़ के प्रोजेक्टों की सौगात दी जानी है अयोध्या वसनीकों। सो कितने कितने कह लिए कि एक वड्डा दिन है अज अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल हुण कनैक्शन जुड़ता हुआ नज़र आएगा। यानी कि सीधे तौर पर जेकर गल की जाए तो जिथे रेलवे लैके काफ़ी जोड़ा अहम रहेगा आने वाला समा, यानी कि बहुत आसानी के नाल जो सफ़र तय किया जाएगा, तो उत्थे ही हवाई सफ़र भी जोड़ा आसानी होएगी हूँ, क्योंकि जिथे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तो उत्थे ही एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अपडेट मिल रही है कि अयोध्या पहुँच चुके ने पीएम मोदी। सो जनसभा भी संबोधन करेंगे, कुछ किलोमीटर जोड़ा वड्डा लंबा रोड शो भी कढ़ा जाना उन्होंने द्वारा। सो आने वाले समय के वड्डियां सौगातां लगातार दी जा रही ने भारत सरकार द्वारा, तो आने वाले समय के होर भी जिहड़ा अयोध्या नगरी के उस निखारन के लिए उसू सजाउण के लिए लगातार उपराले कर रही है भारत सरकार। सो अयोध्या दे विच इसकी कह लिए कि शुरुआत अज तो होने जा रही है। सो स्थानक वसनीकों के काफ़ी उत्साह, दूरों दूरों श्रद्धालु जिहड़े ने राम मंदिर नतमस्तक होने के लिए पहुँच रहे हैं पहलों तो ही, तो उन्होंने भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सो स्थानक कल्चर के जरिए खुशी का इजहार किया जा रहा है। स्थानक जो कल्चर है, सभ्याचार कल्चर है, उसके जरिए जिथे पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है, तो उत्थे ही पूजा भी की जा रही है। सो अयोध्या पहुँच चुके ने पीएम मोदी, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुँच चुके ने, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाना थोड़े समय के जोड़ा है उद्घाटन होएगा। सो 15,700 करोड़ के प्रोजेक्टों की सौगात दी जानी है अयोध्या वसनीकों। सो लंबे समय तो एक वड्डा सुपना जो संजोया होया सी वो अज पूरा होने जा रहा है। अयोध्या के 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी कढ़णगे पीएम मोदी, जनसभा को संबोधन करेंगे। सो पीएम मोदी के दौरे को लैके जिथे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तो अज अयोध्या वसनीकों के लिए एक वड्डा दिन है। वड्डियां सौगातां दित्तियां जाणियां, करोड़ों के प्रोजेक्टों का उद्घाटन कर जा रहे हैं पीएम मोदी। सो जनसभा को संबोधन दौरान भी काफ़ी अहम गल्लां बातें जिथे जिक्र किया जाएगा पीएम मोदी द्वारा, क्योंकि अगले महीने यानी कि चढ़ते साल 2024 राम मंदिर का भी उद्घाटन है। सो पूरी तरह के नाल जगमग जगमग करता होया अयोध्या, जिथे हुण वड्डियां वड्डियां सौगातां दे रही है भारत सरकार। सो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट उसका उद्घाटन किया जाना है। जैसा आप लोग बता रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, वाल्मीकि जी नहीं है, श्री राम का दर्शन पूरे भारतीयों को कराया हजारों साल से, इसलिए महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। उनके बाकी सियासत अलग बात है, लेकिन उनके नाम पर जो रखा गया है क्योंकि उन्होंने ही भगवान श्री राम और राम परिवार और रामायण का दर्शन पूरे विश्व को कराया। राम आप अच्छी तरह जानते हैं, दीपक जी भी जानते हैं, लेकिन जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट आपने तस्वीरों में हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, करोड़ों दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो एयरपोर्ट की कल्पना करिए कि पूरे राम परिवार वहाँ पर है, पूरा रामायण वहाँ पर है, श्री राम की जो भक्ति है, उनकी शक्ति है, उनकी जो जो कर्तृत्व है, ये सबका दर्शन आपको वाल्मीकि एयरपोर्ट पर दिखाई देगा। और यही बात है कि 22 दिन पहले राम मंदिर के शिलान्यास, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उससे पहले प्रधानमंत्री आते हैं 22 दिन पहले, और इस भक्ति को पूरे देश में उजागर कैसे किया जाए। अयोध्या धाम ये केवल पुरातन सनातन नहीं, विकसित अयोध्या धाम है, विकास की गति पकड़ रहा है। यहाँ अपना एयरपोर्ट है, अपना रेलवे स्टेशन है, अपनी सड़कें हैं, अपने राम पथ है, अपने भक्ति पथ है और अपने धर्म पथ है। आप कल्पना करिए, जहाँ पर अकबर और औरंगजेब के नाम पर रखने की परंपरा थी, अब वो धर्म के नाम पर रखी जा रही है, भक्ति के नाम पर रखी जा रही है, तो ये परिवर्तन हुआ है और देश भी महसूस कर रहा है। और यही बात है कि 22 दिन पहले इस देश की जो भावना है उसको और कैसे उजागर हो, पूरा देश इसमें कैसे अपने आप को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कैसे अपने आप को समाहित कर सके, ये एक कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि तो अगर उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती तब भी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये सारी योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन हो सकता था, लेकिन 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 मैं एक बता दूं कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले वाला जो टारगेट है उस गाड़ी में है और बार बार शिफ्टिंग हो रही है, अब इस गाड़ी से भी शिफ्ट हो रहा है। तो कहा जाता ना कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो व्यवधान के लिए थोड़ी सी कराना है।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। 15,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਦਘਾਟਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਮੇ, ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਗਿਤ ਕੀਆ ਥਾ, ਰੋਕਾ ਥਾ। ਆਜ ਉਹ 800 ਕਿਲੋ ਕਾ ਘੰਟਾ ਬਣਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਘੰਟੇ ਬਜਾਨੇ ਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਕੀ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੈਸੀ ਥੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਗਲੀ ਮਾਲ ਡਾਕੂ ਬਣੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਬਣ ਜਾਈਏ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਆਪਕੋ ਪੂਰਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਲਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਕੀ ਭਾਵਨਾਏ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੋ ਐਸੇ ਮੇ ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਕੋ ਆਪ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਅਸਤਿਤਵ ਕੋ ਨਕਾਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਐਸੇ ਮੇ ਆਪ ਘੰਟੀ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਉਤਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਨੇਤਾਓ ਕੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਮੇ ਯੂਪੀਏ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਤੇ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਤੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ MP ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।